दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे 1990 में रिलीज हुई एक फैंटेसी ड्रामा मूवी हातिम ताई का, जिसकी लीडिंग कास्ट में मौजूद हैं जितेंद्र, संगीता बिजलानी, अमरीश पुरी, रजा मुराद, सतीश शाह, सोनू वालिया, आलोक नाथ, विजेंदर घाटगे, राजेश विवेक और गोगा कपूर। इसके अलावा इस फिल्म की कहानी लिखी है पीडी मेहरा ने और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बाबू भाई मिस्त्री ने और इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं रतन मोहन। अब बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में, तो इस कहानी की शुरुआत होती है अरब के एक शहजादे हातिम यानी जितेंद्र से, जो बेहद नेक और रहमदिल इंसान है। हातिम अपने शहर के गरीबों की भी काफ़ी मदद करता है और इसी दौरान उसके दरबार में शहजादी मरियम मदद मांगने आती है, जो किंग बरजद यानी रजा मुराद की बेटी है। शहजादी मरियम हातिम के दरबार में माली मदद के लिए नहीं बल्कि अपने प्यार के लिए आती है, और मरियम मुनीर नाम के एक लड़के से प्यार करती है मगर उसके अब्बा इस रिश्ते के खिलाफ हैं और वो खिलाफ होने की वजह भी नहीं बता रहे। इसके बाद कहानी अपना असर रुख लेती है जब शहजादा हातिम मरियम और मुनीर को लेके किंग बरजत से बात करने उसके महल जाता है, तो फिर किंग बरजत इस इनकार के पीछे का राज इन लोगों को बताता है कि उसके घर में ये परी की मूर्ति कभी असल की परी हुआ करती थी। और फिर वो एक सच्चाई बताता है कि एक दिन वो अपने कमरे में सो रहा था और फिर उसके कमरे की खूबसूरती देख के गुलनार परी यानी संगीता बिजलानी उसके कमरे तक आ गई, मगर जब किंग बरजत की आंख खुली तो इस परी को देख के उसकी नीयत खराब हो गई और उस पर बुरी नज़र डालने के गुनाह में वो परी उसे बद्दुआ देती है कि उसकी बेटी की शादी कभी नहीं होगी और होगी तो उसका शौहर शादी की रात ही मर जाएगा। इसके बाद किंग बरजत उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है और फिर वो कहती है कि इस गुनाह की माफ़ी और मेरी आज़ादी के लिए किसी को 7 सवालों के जवाब लाने होंगे, तभी यह बद्दुआ टूटेगी। और फिर वो वहीं पे एक खूबसूरत परी से पत्थर की मूर्ति बन जाती है। अब इसके आगे फिल्म की कहानी काफ़ी एडवेंचरस है, जहाँ शहजादा हातिम इन 7 सवालों के जवाब की तलाश में निकल जाता है, जहाँ उसे बहुत सी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा अमरीश पुरी की बात करें तो वो इस कहानी के लास्ट विलन जादूगर कमलक के किरदार में दिखाई देंगे। अब बात करें इस फिल्म की डायरेक्शन के बारे में, तो डायरेक्टर बाबू भाई मिस्त्री ने वैसे तो बहुत सी एडवेंचरस फैंटेसी मूवीज बनाई हैं और उन्हें अपने वक्त का स्पेशल इफ़ेक्ट्स मास्टर भी माना जाता था, और उस वक्त में बॉलीवुड में ऐसी फैंटेसी मूवीज़ बनाने में उनका कोई सानी नहीं था, और हमें जैसी उम्मीद थी उन्होंने वैसा ही काम किया है और उनकी डायरेक्शन बहुत ही ज़बरदस्त रही। इसके अलावा फिल्म की स्क्रीन पे राइटिंग भी काफ़ी शानदार है, क्योंकि राइटिंग एक पर्टिकुलर ऑडियंस के हिसाब से की गई है, लेकिन स्क्रीन प्ले काफ़ी हद तक दूसरी ऑडियंस का भी स्टोरी में इंटरेस्ट बनाए रखता है और एंड तक ऑडियंस को कहानी से जोड़े रखता है। और बात करें डायलॉग्स राइटिंग की, तो फिल्म की डायलॉग्स राइटिंग नॉर्मल फिल्म से हटके है, जहाँ मेरे ख्याल से बॉलीवुड ऑडियंस को न्यू टाइप की कन्वर्जेशन और डायलॉग सुनने को मिलते हैं जो इस प्लॉट पे काफ़ी सूट करते हैं। इसके अलावा फिल्म के एक्शन सिक्वेंसेस भी ठीक ठाक हैं, और बात करें फिल्म की लोकेशंस के बारे में, तो हमें इस फिल्म में एक से बढ़कर एक बेहद खूबसूरत लोकेशंस देखने को मिलती हैं, और सिर्फ यही नहीं, जो सीन सेट्स पे शूट किए गए हैं वो सेट्स काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं। ख़ास तौर पे अमरीश पुरी का महल काफ़ी अच्छे से बनाया गया है, जो वाकई में काफ़ी शानदार लगता है। इसके अलावा फिल्म का म्यूज़िक भी काफ़ी अच्छा है, और बात करें एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की, तो जितेंद्र का ये रोल काफ़ी मुश्किल रोल था मगर उन्होंने अपनी ज़बरदस्त मेथड एक्टिंग स्किल्स से इस रोल को बहुत अच्छे से निभाया और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इस रोल को इम्पैक्टफुल बना गई। इसके अलावा संगीता बिजलानी की बात करें, तो संगीता बिजलानी दो जुड़वा परियों के किरदार में नजर आईं और उनकी परफॉर्मेंस भी आउटस्टैंडिंग रही। इसके अलावा सतीश शाह ने भी काफ़ी अच्छा काम किया, और बात करें अमरीश पुरी की, तो अमरीश पुरी ने इस बार भी हमेशा की तरह आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी और उनका काम वाकई में काबिले तारीफ रहा। और फिल्म की बाकी कास्ट ने भी अपने अपने रोल्स में अच्छा काम किया है, ख़ास तौर पर रजा मुराद और आलोक नाथ इस फिल्म में काफ़ी इम्प्रेसिव नज़र आए। ओवरऑल देखा जाए तो हातिम ताई एक वेल स्क्रिप्टेड फैंटेसी मूवी है, जो एक प्रॉपर एडवेंचरस एक्सपीरियंस देती है, और साथ ही साथ अच्छी एक्टिंग परफॉर्मेंसेस के साथ ये मूवी और भी शानदार बन जाती है। तो दोस्तों, हातिम ताई मूवी मैं उन सबको रेकमेंड करूँगा जो फैंटेसी मूवीज़ और परियों की कहानियाँ सुनने का शौक रखते हैं। आप सब भी इस शानदार मूवी को ज़रूर देखिएगा।